नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर पहुंचना छात्रों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। प्रतापनगर और छछरौली बस स्टैंड पर पहुंचकर छात्र सबसे पहले ये देखते हैं कि बस में कितनी सवारियां हैं और हम इस बस में जाएं या अगली बस का इंतजार करें, क्योंकि इसके पीछे की वजह जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी भी है। यमुनानगर के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने के लिए रोजाना हजारों छात्र शहर आते हैं, लेकिन घर से स्कूल या कॉलेज पहुंचने की ये गारंटी नहीं है कि कब पहुंचे और कैसे पहुंचे। ये हालात हैं यमुनानगर में पढ़ने वाले छात्रों के। इन तस्वीरों से काफी हद तक ये दर्शाने की कोशिश की है कि बस में सवारियों के बीच छात्र एक दूसरे को बस में धकेल कर पैर रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सफल भी हो रहे हैं तो कुछ मायूस होकर अगली बस के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। पहले बस में पैर रखने की जद्दोजहद और फिर स्कूल या कॉलेज में सही समय पर पहुंचने की चिंता। यमुनानगर में स्कूल और कॉलेज की भरमार है। बेहतर शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाके से छात्र शहर का रुख करते हैं। प्रतापनगर से डारपुर और नगली तक छात्र के यमुनानगर में बस में सफर करते हैं। ऐसे में बसों की संख्या सीमित है और छात्रों की तादाद ज्यादा। छात्र जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और दूसरी तरफ सर्दी का मौसम। यमुनानगर डिपो के GM बालक राम भी मानते हैं कि बसों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन उन्हें आज तो है कभी तो यह आंकड़ा बढ़ेगा और छात्र जोखिम फ्री सफर करेंगे। बालक राम ये भी बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, लेकिन इससे ज्यादा जरूरत डीजल बसों की है ताकि छात्रों की पढ़ाई भी बाधित ना हो और बसों के बाहर लटक कर न जाना पड़े। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों में यह भयानक तस्वीर राहत में बदलती है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में बस की बहुत समस्या है। जैसे स्टूडेंट आते हैं उनको लटक कर आना पड़ता है स्कूल या कॉलेज के लिए, तो क्या बसों की कमी है या फिर क्या टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम है? टाइमिंग की तो नहीं है, बसों की प्रॉब्लम है। हमारे पास बसों की शॉर्टेज है। धीरे धीरे अब नई बसें आ रही हैं, वो हम लगा रहे हैं रूटों पर, और जो ही हमारे पास और बसें आएंगी हम जिन रूटों पर कमी है वहाँ बसें दे देंगे। ये लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट नहीं? लंबे समय से तो नहीं, ये कोरोना के बाद हुई दिक्कत ना। सर, ग्रामीण इलाकों में कितनी बसें हैं आपके अपने यहाँ पे? हमारी 80 बसें चल रही हैं ग्रामीण इलाकों में। हमारे पास 140 बसें हैं, उनमें से 80-90 बसें बल्कि हमारी ग्रामीण इलाकों में चल रही हैं। तो चाहिए कितनी बसें सर जिससे जो है प्रॉब्लम ना हो? बसें तो लगभग 100 बसें चाहिए, 100-120 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अभी कितनी बसें आनी है यहाँ पर? अभी हमारे पास अभी हमारा जो है ना और हमें एक्सचेंज करिए हमारी बसों के, अब हमारे पास 275 बसें हो जाएंगी और बसें आएंगी। जब इलेक्ट्रिक बसें भी आने की है अभी? इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी 40 और 40-50 बसें ऑर्डिनरी भी आएंगे बॉडी सहित। तो इलेक्ट्रिक बसें ग्रामीण इलाकों में लगेंगी या फिर लॉन्ग रूट पर लगेंगी? वो तो ग्रामीण इलाकों के लिए ही आएंगी, लोकल सर्विस के लिए। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो मतलब 150-200 किलोमीटर तक की सफर करेंगे। जिस तरह से लड़के कॉलेज में आती है स्कूल में आती है ग्रामीण इलाकों से, तो क्या क्या महिलाओं लड़कियों के लिए क्या अलग से कोई बस का प्रावधान किया जाएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए? हाँ जी, अगर हमारे पास बसें पर्याप्त होंगी तो हम महिलाओं के लिए स्पेशल बसें भी दे देंगे अलग से। तो कुछ ऐसे रूट भी हैं सर जहाँ पर सिर्फ एक या दो फेरा ही होता है ग्रामीण इलाकों में, उनके लिए भी बसें बढ़ाई जाएंगी बसें आने के बाद? नहीं, जिन इलाकों में कम सवारी है तो वहाँ सुबह शाम बस जाती है, और जहाँ ज़्यादा सवारी है वहाँ पर पूरा दिन बस चलती है। क्या नाम है दोस्त? पारसा है भाई जी। बसों की क्या प्रॉब्लम है? बस भाई आती तो है यहाँ पर, टाइम पे नहीं आती है, और आती भी है तो भीड़ होती है, मैं बहुत लटक लटक के जाना पड़ता है। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो इस करके बहुत ही भीड़ होती है। आज मैं अब बहुत भीड़ हो रही थी अभी बस में, तो मैं लटकने लगा तो लटके नहीं गया तो मैं ताली उतर गया हूँ, तो इस करके बहुत ही परेशानी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दूसरी बस लगाई जाए और जिससे हम सबको कोई परेशानी ना आए। लेट होते होंगे कॉलेज में जाते तो? हाँ जी, एब्सेंट भी लगती होगी, फाइन भी लगता होगा? हाँ जी हाँ जी, फाइन लगे जी बाद में। तो बसों की संख्या बढ़नी चाहिए? हाँ जी हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसों की संख्या बढ़नी चाहिए जी। साहिल भाई, क्या दिक्कत आती है आपको बसों में? दिक्कत तो भाई है भाई, रसी बस नहीं आती, बसा टाइम है पर लेट लेट आवा भाई, अर गाँव की आवा इधर दे सवारी बहुत भीड़ हुआ भाई, लटक लटक का बच्चे जावा छुट्टी टाइम में तो बस का बस ही है, काल पड़ जा।
बस लटर लटक का जावा बहुत बहुत दिक्कत है भाई बसों की। तो इसके बारे में आपने कभी किसी को बताया अधिकारी वगैरह को? बताया क्या, एक फिर लड़की भी गिर गई थी भाई यार, लड़की भी बस के नीचे आने थे बची, लटक लटक का एकदम इतनी भीड़ जावा पब्लिक पूरी हो, बच्चे वहाँ कुछ है और सवारियाँ इतनी भीड़ हुआ यार, बहुत बोल रहा बच्चों ने भी, पर क्या करा लग दी नहीं, बीच से मैं लगाई भाई बस आए एक दो, पर उन्हें भी फिर बीच मटा दे फिर लगा दे, पता नहीं क्या दिक्कत हुआ। बस और लगनी चाहिए, बस तो लगनी चाहिए भाई दो चार और, तब बनाई बात, यूँ नहीं बन दिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।